हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सुगर केन मशीन 2022-2023 लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। नया मॉडल लॉन्चिंग किया है मार्केट में दोस्तों। टोटली एडवांटेज मॉडल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक पावर से चलने वाली मशीन है दोस्तों। 1.5 HP मोटर डाला हुआ है मशीन के अंदर। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील है। वन टाइम क्रशिंग है, एक ही बार गन्ना डालना है, बार बार डालने का जरूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों सुगर केन क्रशर भी डाला है। गन्ने को छीलने वाला भी मशीन डाला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे सुगर केन आप छील सकते हो, गन्ने को साफ कर सकते हो, यहाँ पे गन्ना लगा के उसका फ्रेश और क्लीन जूस निकाल सकते हो दोस्तों। 2022-2023 का लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों। वन टाइम क्रशिंग मॉडल है इसके अंदर दोस्तों। जो एक्चुअल गन्ना रहता है आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल गन्ना रहता है इस टाइप का रहता है, या तो इससे भी खराब गन्ना रहता है दोस्तों। इसको आपको साफ करने के लिए सफाई करके मशीन में से ऐसा सफाई हो जाती है दोस्तों। ये जो गन्ना है दोस्तों, ये साफ किया हुआ है, क्लीन किया, क्योंकि ये गन्ना पहले ऐसा ही था और एक गन्ने को हमने साफ कर दिया है। प्लस दोस्तों इसके अंदर एडवांटेज मेन इंपॉर्टेंट वही है कि इसके अंदर दोस्तों हाई पावर है, मशीन नहीं खाती है दोस्तों। ये मशीन के अंदर दोस्तों एक ही मोटर के अंदर दोनों को इक्वल किया हुआ है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। डबल पावर दोनों का मोटर अलग अलग नहीं दिया दोस्तों। एक ही मोटर के अंदर दोनों चीज एक ही साथ ऑपरेट होती है। एक ही साथ गन्ने को आप साफ भी कर सकते हो और एक ही साथ गन्ने का जूस भी निकाल सकते हो। एक ही टर्न के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सब दिखाऊंगा, ऑपरेट करके चला के गन्ना साफ कैसे होता है, गन्ने के अंदर लगा के जूस कैसे निकलता है, कितना परसेंट गन्ने का जूस निकलता है, एक गिलास कितने के गिरता है, एक गिलास कितने में सेल होता है, पूरी डिटेल से वीडियो के अंदर देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको आसानी से नॉलेज मिलेगा कैसे मशीन ऑपरेट होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको गन्ना एंटर करना है, आप यहाँ से जूस गल के साफ होके निकलेगा। यहाँ पे गन्नी झाली दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी कचरा है, हमने ऑलरेडी एक गिलास जूस निकाला है, कचरा दिख रहा है, जो छोटा छोटा डस्ट कचरा रहता है यहाँ पे गल जाता है। आपको बाहर से अलग से गालने का जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा लाइव आपको नल खोल के कस्टमर को लाइव जूस फ्रेश टू फ्रेश देना है। कस्टमर के सामने आपको गन्ना लगाना है और फ्रेश टू फ्रेश नल खोल के जूस गिलास बना के कस्टमर को दे देना है। ऊपर से जिसको मसाला डालना है, आइस डालना है, बर्फ डालना है, कुछ भी डालना है तो ऊपर से कस्टमर डाल सकता है। ये एकदम नेचुरल और फ्रेश जूस निकलता है इसके अंदर से। ना तो पानी मिलाया हुआ, ना तो बर्फ मिलाया हुआ, ना तो शक्कर मिलाया हुआ, फ्रेश टू फ्रेश क्लीन जूस कस्टमर को मिलता है। यहाँ पे हमने बटन दिया गया दोस्तों, जिससे आप मशीन को इसे चला सकते हो। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, ये भी स्टार्ट हो चुका है, ये भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको रिवर्स लेना है तो यहाँ पे पुशबैक बटन दिया है, जिससे आप मशीन को रिवर्स ले सकते हो। अगर कई बार गन्ना फंस जाता है, आपको रिवर्स लेना है तो रिवर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी मतलब कि कल सुबह आपको कोई इमरजेंसी कुछ होता है तो आप इसको इमरजेंसीली स्टॉप कर सकते हो। इमरजेंसी स्टॉप हो जाता है, ये बटन दबा के इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले गन्ना इसका सफाई करके दिखाता हूँ दोस्तों कि गन्ना सफाई कैसे होता है। मैं मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ और जो हमारे हाथ में गन्ना है वही हम गन्ना लेते हैं, यहाँ से इसको सफाई करते हैं। ये गन्ना सफाई का है, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको गन्ने को सफाई कर देना है अच्छे से। ये दूसरी साइड से हम डालेंगे। अगर बड़ा साइज का गन्ना है तो भी आप लंबा गन्ना भी डाल सकते हो, वो भी साफ कर सकते हो। कितनी आसानी से सफाई हो चुका है गन्ना, आप देखिए दोस्तों। अभी गन्ना पहले कैसा था और अभी गन्ना कैसा हो चुका है, कैसा क्लीन होकर साफ सुफ हो चुका है गन्ना, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये गन्ना है वैसा ही इसका सफाई हो चुका है। आप इसमें सफाई बिना भी डाल सकते हो, लेकिन कई कस्टमर हाइजेनिक और क्लीन चीज मांगते हैं तो आप इसको ग्लोव्स पहन के सफाई करके कस्टमर को दे सकते हैं। अभी हम यही गन्ना मशीन के अंदर सप्लाई करके इसमें से जूस निकालेंगे कि एक गन्ने में कितना परसेंट जूस निकलता है दोस्तों। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे हम गन्ना डालेंगे, आप देखिए ये गन्ना डाल दिया हमने यहाँ पे। ऑटोमेटिक सकिंग करेगा, आपको पकड़ के रखना नहीं है, ना तो लोड जाएगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है इसको आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका वेस्टेज है, ये वेस्टेज है इसका, एकदम चूरा निकला है देखिए दोस्तों। एक बूंद भी जूस इसके अंदर है नहीं, वन टाइम के अंदर पूरा चूरा कर दिया। आप देखिए दोस्तों इसका क्रशिंग रेशियो देखिए, मार्केट में जो मशीन मिलती है उसका आप रेशियो देखिए और हमारी मशीन का रेशियो देखिए कि एक ही बार गन्ना डालने से कितना परसेंट आपका गन्ना क्रश हो चुका है। एक किलो गन्ने के अंदर आपको 800 ग्राम तक जूस निकलेगा। अभी हम इसमें से फ्रेश और क्लीन जूस निकाल के आपको बताएंगे इसके अंदर दोस्तों। आप देखिए ये एकदम ग्रीन कलर का हरा जूस निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें जरा भी डस्ट, जरा भी कचरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पूरा ग्लास है, फील हो चुका है, आप देख सकते हैं।
उससे भी और ज्यादा जूस अभी पड़ा है, हमारा ग्लास भर चुका है, फिर भी इससे भी ज्यादा जूस इसके अंदर पड़ा है और जो भी डस्ट और कचरा है यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ग्लास के अंदर एक डस्ट, एक कचरा, एक दाना भी इसके अंदर नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मशीन पूरी मूवमेंट वाली है, कहीं पे भी अब इसको मूवमेंट करके ले जा सकते हो, कहीं पे भी चला के ले जा सकते हो। नीचे व्हील्स टायर्स दिए गए दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट है मशीन 220 वोल्ट 240 वोल्ट से चलने वाली है, वन टाइम क्रशिंग रेशियो वाली है दोस्तों। आधुनिक सिस्टम हमने मशीनों के अंदर डाला हुआ है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स भी अवेलेबल है। अगर आपको बैटरी वाला चाहिए जहाँ के पावर का शक्यता नहीं है, पावर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे बैटरी से चलाने वाला मशीन चाहिए तो भी हमारे पास, हैंड ऑपरेट चाहिए तो भी, ये कूलिंग वाला चाहिए, इंस्टेंट कूलिंग, जैसे गन्ना आपने डाला और इंस्टेंट चिल्ड होके ठंडा होके जूस निकलता है, तो वैसा इंस्टेंट कूलिंग मशीन भी चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीनों की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। वीडियो के नीचे लिंकिंग में नंबर दिया, वहां पर कॉन्टेक्ट करके मशीन की प्राइस, मशीन की डिटेल्स, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कितने दिन में मशीन बनेगी, कैसे डिलीवरी मिलेगी, हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन आप ले सकते हो दोस्तों। इस तरह की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।